गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू श्री दिगंबर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। आई एम नवीन कुमार, आई एम फैकल्टी ऑफ श्री दिगंबर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। कल अपन ने जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग में कुछ टॉपिक्स थे अपने यूनिट फर्स्ट से, जियो टेक्निकल जो सब्जेक्ट है उसी में यूनिट फर्स्ट में कुछ अपने टॉपिक्स थे, उन पर डिस्कस किया था। ठीक है, आज कुछ बचे हुए टॉपिक्स पर डिस्कस करते हैं लेक्चर नंबर 11 के साथ। ठीक है, कल अपन ने कुछ इफ़ेक्टिव स्ट्रेस के केसेस थे उनके बारे में डिस्कस किया था। इफ़ेक्टिव स्ट्रेस और टोटल स्ट्रेस और प्योर प्रेशर है, उनके कुछ 5 केसेस थे अपने, उनके बारे में पढ़ा था। आज उन्हीं को आगे करते हुए या फिर यूनिट फर्स्ट में जो अपने टॉपिक रिमेनिंग हैं उनको आगे कंटिन्यू करेंगे, जो कि परमेबिलिटी से रिलेटेड है। तो आज का अपना जो टॉपिक रहेगा वो परमेबिलिटी, व्हाट इज परमेबिलिटी। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। परमेबिलिटी ऑफ सॉइल, मेनली परमेबिलिटी होती क्या है? परमेबिलिटी अगर एक तरह से अपन समझ सकें तो वाटर का फ्लो होना, सोइल्स के पार्टिकल्स में से वाटर का फ्लो या पास होना ही क्या है परमेबिलिटी। अब वो जो सोइल्स के पार्टिकल्स हैं वो स्मॉल भी हो सकते हैं, बिग भी हो सकते हैं। तो अगर स्मॉलर पार्टिकल होंगे तो उनमें वॉइड कम होगा, वॉइड्स कम होंगे। अगर उनका साइज ज़्यादा है तो जो वॉइड्स होंगे वो ज़्यादा होंगे, तो वाटर जो पास होगा वॉइड्स में से वो ज़्यादा होगा बड़े साइज के पार्टिकल्स में। ठीक है, और जो स्मॉलर साइज के होंगे उनमें कम होगा। तो मेनली परमेबिलिटी क्या है कि सोइल्स के पार्टिकल में से वाटर का पास होना ही क्या है परमेबिलिटी। ठीक है, देखिए, सोइल्स इज ए पार्टिकल्स मेटीरियल एंड हैज पोर्स दैट प्रोवाइड्स पासेज फॉर वाटर। सच पासेज वेरी इन साइज एंड आर इन इंटरकनेक्टेड। द परमेबिलिटी ऑफ सॉइल इज ए प्रॉपर्टी विच डिस्क्राइब क्वांटिटी द एसे विद विच वाटर फ्लो थ्रू दैट सॉइल्स। ठीक है, जो सॉइल्स के पार्टिकल होते हैं वो आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होते हैं, तो उन्हीं में से वाटर का फ्लो होना या वाटर का पास होना ही क्या है परमेबिलिटी। ठीक है, परमेबिलिटी। अब इसी परमेबिलिटी को समझने के लिए, डिफाइन करने के लिए एक लॉ दिया था, एक लॉ दिया है। वो लॉ किसने दिया? डार्सी ने दिया। डार्सी नाम का एक साइंटिस्ट था, उसी ने अपना एक लॉ दिया परमेबिलिटी को समझाने के लिए। तो उसी को अपन ने बोला डार्सी लॉ। तो डार्सी लॉ क्या कहता है? डार्सी लॉ, द फ्लो ऑफ फ्री वाटर थ्रू सॉइल इज गवर्न बाय डार्सी लॉ। डार्सी स्टेबलाइज दैट द फ्लो अकरिंग पर यूनिट टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हेड कोजिंग फ्लो एंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द सॉइल सैंपल, बट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द सैंपल। डार्सी ने क्या कहा कि मान लो कोई भी अपना सॉइल्स का स्पेसिमन लिया है, अपन ने कुछ ये स्पेसिमन लिया है, इसमें ये सॉइल्स फिलअप है। ठीक है, और इसमें से जो वाटर फ्लो हो रहा है वो अपना कुछ यहाँ से हो रहा है, यहाँ इस पोर्शन से वाटर फ्लो हो रहा है ऐसे नीचे की साइड। ठीक, और फिर ये कुछ इस साइड तक ऊपर चढ़ रहा है। ठीक है, तो जो ये वाटर इधर से ऊपर से और इस सॉइल्स के पार्टिकल में से पास होके जा रहा है, तो इस सॉइल्स के पार्टिकल की लेंथ कितनी है? एल है। एरिया कितना है? ए है। ठीक है, और जो इसका हेड होगा, मतलब ये ऊपर, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो हेड होगा डेल एच। ठीक है, तो जितना यहाँ से वाटर अपना डिस्चार्ज हो रहा है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? इसके हेड और एरिया के, और इन्वर्सली होगा इसकी लेंथ के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा इसके लेंथ के। तो डार्सी ने एक अपना जो मैथमेटिकली फॉर्मूला डिफाइन किया वो किया क्यू एल्फा डेल एच अपॉन एल इंटू ए।
ठीक है, वो इसी डायग्राम के बेसिस पे इन्होंने बताया, सोइल्स का कोई भी स्पेसिमेन लिया, उसमें से वाटर को फ्लो किया, अब वो वाटर जो फ्लो हुआ सोइल्स के पार्टिकल में से तो वो कितना ऊपर इंक्रीज हुआ और उसमें हेड डिफरेंस कितना था, ठीक है। तो ये ही था डार्सी लॉ जिसने परमेबिलिटी को बताया। अब आगे देखिए परमेबिलिटी को और उसने कैसे डिफाइन किया, तो कुछ और डिटेल में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए, क्यू एल्फा डेल एच अपॉन एल था अपना वहाँ, क्यू एल्फा डेल एच अपॉन एल इंटू ए था, ठीक है। तो क्यू इजक्वल टू के डेल एच अपॉन एल इंटू ए, ठीक है। के यहाँ क्या है, कोफिशियंट ऑफ परमेबिलिटी ऑफ सॉइल्स, ठीक है। डेल एच अपॉन एल इसको बोला है आई, आई इजक्वल टू डेल एच अपॉन एल हाइड्रेलिक ग्रेडियंट बोलेंगे जिसको, ठीक है, हाइड्रेलिक ग्रेडियंट। और जो डेल एच है वो क्या है, हेड कोजिंग फ्लो, और ए क्या है, एरिया। आई तो क्या होगा, डेल एच अपॉन एल हाइड्रेलिक ग्रेडियंट, के इजक्वल टू कोफिशियंट ऑफ परमेबिलिटी ऑफ सॉइल्स, ए इजक्वल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। तो ये ऐसे करके एक फॉर्मूला डिफाइन हो गया पूरा, जो डार्सी ने जो फॉर्मूला दिया वो फॉर्मूला क्या बन गया, क्यू इजक्वल टू के आई ए, क्यू इजक्वल टू के आई ए, ठीक है। फिर जो कोफिशियंट ऑफ परमेबिलिटी है, जो के से डिनोट किया है जिसको, उसका मीन्स क्या है, द कोफिशियंट ऑफ परमेबिलिटी ऑफ सॉइल्स के इज डिफाइंड एज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्लो विच विल अकर अंडर यूनिट हाइड्रेलिक ग्रेडियंट, इट हैज द यूनिट सेम एज वेलोसिटी दैट इज सेंटीमीटर पर सेकेंड और मीटर पर डे। अब जो ये कोफिशियंट ऑफ परमेबिलिटी है अपनी के, इसकी जो यूनिट होगी वो कितनी होगी, सेंटीमीटर पर सेकेंड में होगी, ठीक है। मतलब एक सेकंड में कितना, कितनी दूरी तक वाटर अपना फ्लो हुआ, कितने डेप्थ तक वाटर फ्लो हुआ, तो वो ही क्या है, कोफिशियंट ऑफ परमेबिलिटी, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, अब जो ये डिस्चार्ज जो वेलोसिटी है, नोट जो अभी अपन ने यहाँ पे नोट देखा था इसमें वेलोसिटी के बारे में डिस्कस हुआ था, तो उसी को आगे इसमें समझने के लिए, जो जैसे मैंने स्टार्टिंग में जो डायग्राम प्लॉट किया था वही डायग्राम यहाँ प्लॉट किया है, क्या निकालना है, डिस्चार्ज वेलोसिटी बताना है, अब डिस्चार्ज के केस में बताना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से ये अपना कोई वाटर टेबल है यहाँ पे, अब ये यहाँ से वाटर फ्लो हो रहा है, ये कोई सॉइल्स का पार्टिकल्स है, सॉरी सॉइल्स का स्पेसिमन है, इसमें से वाटर फ्लो हो रहा है, ठीक। और फिर ये कुछ हाइट पे इधर इंक्रीज कर रहा है, कुछ हाइट पे इधर इंक्रीज कर रहा है। अब इनका जो ये डिफरेंस होगा, हाइट का ही डिफरेंस होगा, वही अपना क्या है, डेल एच मतलब हेड, ठीक। और अब जो सॉइल्स इसमें इस स्पेसिमन में फिलअप है वो कुछ इस शेप में होगी, ये कुछ वॉइड्स हैं, ठीक है, अपन ने इनको थोड़ा बड़ा करके देखा है, तो ये कुछ ऐसे वॉइड्स हैं जिसके अंदर ये सॉइल फिलअप्स हैं, ठीक। इन वॉइड्स में से ही अपना वाटर क्या होगा, फ्लो होगा, ठीक। अब मान लीजिए कि कोई भी स्पेसिमन है, उसका अपन ने एक सेक्शन ले लिया एक्स एक्स, ठीक है, ये कुछ सेक्शन लिया है यहाँ पे, एक्स एक्स सेक्शन ले लिया, ठीक। तो फ्रॉम डार्सी लॉ, डार्सी लॉ ने क्या कहा था, डार्सी लॉ ने क्या अपना फॉर्मूला दिया था, क्यू इजक्वल टू के आई ए, क्यू इजक्वल टू के आई ए। अब अपन जानते हैं कि भाई क्यू अपॉन ए अगर कर लिया तो क्या हो जाएगा, वी होगा, क्यों होगा, क्योंकि डिस्चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू इजक्वल टू ए इंटू वी होता है, ठीक है। अब अगर अपन ने क्यू अपॉन ए कर लिया, यहाँ जो डिस्चार्ज है उसको यहाँ अपन ने क्या लिया, स्मॉल क्यू कंसिडर किया है, तो क्यू अपॉन ए हो गया, तो क्यू अपॉन ए की जगह अपन क्या रख सकते हैं, वी लिख सकते हैं, तो यहाँ q अपॉन ए की जगह v ले लिया, तो फाइनल जो अपना फॉर्मूला निकल के आता है वो v इज इक्वल टू के इंटू आई आता है, ठीक है। v तो क्या हो गई, अब यहाँ वेलोसिटी हो गई, k क्या हो गया, कोफिशियंट ऑफ परमेबिलिटी, और i क्या हो गया, हाइड्रेलिक ग्रेडियंट, ठीक है।
तो ये एक अलग इसको ड्राइव करके सोल्व किया तो अपना जो फॉर्मूला एक और नया निकल के आया, वो क्या निकल के आया, V इज इक्वल टू के आई। ठीक है, तो ये अपना जो डिस्चार्ज हो रहा है, जो वाटर फ्लो हो रहा है, उसको बता के डायग्राम के बेसिस पे, ये डायग्राम कुछ ऐसे प्रैक्टिकली ऐसे अपना वाटर फ्लो होगा, तो उसको बताया है यहाँ पे कि कैसे फ्लो होगा और कैसे उसकी डिस्चार्ज की कंडीशन और वेलोसिटी का मान निकाला जाएगा। तो V इज इक्वल टू क्या हो गया, K इंटू आई। अब नेक्स्ट देखते हैं आगे, सीपेज वेलोसिटी। अब जैसे वहाँ से अपन ने वेलोसिटी निकाली है तो उसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। सीपेज वेलोसिटी, भाई सीपेज वेलोसिटी तो होगी अगर सॉइल्स में से, सॉइल्स के पार्टिकल्स वॉइड्स में से अगर वाटर फ्लो हो रहा है तो सीपेज वेलोसिटी कंसिडर तो होगी। तो अब देखिए क्या है सीपेज वेलोसिटी, द फ्लो थ्रू सॉइल हाउएवर अकर्स ओनली थ्रू द इंटरकनेक्टेड पोर्स, द वेलोसिटी थ्रू द पोर इज कॉल्ड सीपेज वेलोसिटी। जो पोर्स बने हुए हैं, वॉइड्स के जो पोर्स बने हुए हैं, उनमें से जब अपना वाटर फ्लो हो रहा है, जिस स्पीड से वाटर फ्लो हो रहा है उसी को क्या बोला है, सीपेज वेलोसिटी, जिसको डिनोट किया है यहाँ वी एस से। ठीक है स्टूडेंट, किससे डिनोट किया है, वी एस से। अब आगे देखिए इसी में, एज द फ्लो इज कंटिन्यूस, मान लो कि जो फ्लो है वो अपना कंटिन्यूस है, डिस्चार्ज क्यू मस्ट बी सेम थ्रू आउट द सिस्टम। जो डिस्चार्ज है क्यू है वो भी सोइल्स के पूरे स्पेसिमन में क्या है, सेम है, और फ्लो को क्या मान लिया, कंटिन्यूस मान लिया, तब उसका डिस्चार्ज का क्या फॉर्मूला निकल के आता है। अपन जानते हैं कि क्यू इजक्ल टू क्या होता है, ए वी होता है, डिस्चार्ज इज इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी। ठीक है, अब जो ए है भाई वेलोसिटी के, सीपेज वेलोसिटी के केस में निकाल रहे हैं, तो ए को अपन ने क्या कंसीडर कर लिया, ए वी। ठीक है, और जो वी है उसको क्या कंसीडर कर लिया, वी एस कर लिया मान लो, यहाँ ये थोड़ा सा करेक्शन है, यहाँ वी आएगा। ठीक है, अब देखिए आगे, V इज इक्वल टू, ये दोनों जो इक्वेशन के रूप में बन रही है, ये अपनी कंटिन्यूटी जो इक्वेशन होती है उसके रूप में, कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होती है, ए वन वी वन इज इक्वल टू ए टू वी टू। ठीक है, तो ये सेम अपन ने उसी के केस में रखा है यहाँ, तो यहाँ पे क्या किया है, ए वन वी वन की जगह तो क्या है, ए और वी इज इक्वल टू ए वी सी एस, नहीं है वी एस है, ठीक है, कुछ मिसप्रिंट है, तो ए टू वी टू की जगह ए वी और वी एस लिख लिया। अब अपन ने क्या किया कि ए से डिवाइड कर दिया, वी इज इक्वल टू ए वी अपॉन ए इंटू वी एस। ठीक है, अब आगे देखिए, ए वी यहाँ क्या है, एरिया ऑफ वॉइड्स इन टोटल क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ वॉइड्स इन टोटल क्रॉस सेक्शन। अब जैसे अपना सोइल्स का स्पेसिमन था उसके अंदर भाई वॉइड्स भी होंगे कुछ, ये प्लॉट किया था, यहाँ ये वॉइड्स थे ऐसे, ठीक है, ये सोइल है, यहाँ पे फिलअप है, तो यहाँ जो ए वी है वो अपन ने क्या कंसिडर किया है, ओनली एरिया ऑफ वॉइड्स है, एरिया ऑफ वॉइड्स है, तो ए वी इज इक्वल टू एरिया ऑफ वॉइड्स ऑफ टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया ए। ठीक है, तो अब देखिए ए वी अपॉन ए किया है, तो ए वी के लिए वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स क्या हो गया, वी वी, और जो ए है वो क्या है अपना पूरा टोटल वॉल्यूम है, सॉरी टोटल एरिया है, तो उसके लिए वॉल्यूम भी क्या होगा, टोटल वॉल्यूम होगा, तो वी वी अपॉन वी हो गया। ठीक है, अब अपन जानते हैं कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन टोटल वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है, पोरोसिटी, जिसको किससे डिनोट करते हैं, एन से। ठीक है, तो एन इज इक्वल टू क्या हो गया, वी वी अपॉन वी, एन इज इक्वल टू वी वी अपॉन वी हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या किया है,
ए वी अपॉन ए की जगह अपन ने क्या रखा है, वी वी अपॉन वी, मतलब एन रखा है। ठीक, अब ये जो एन इजिकल टू वी वी अपॉन वी है, इसको अपन यहाँ रख दें क्या, यहाँ रख दिया, ए वी अपॉन ए यहीं पे है, तो इस ए वी अपॉन ए की जगह क्या रख दिया, एन रख दिया। तो अपने पास ये निकल के क्या आया, किस रूप में लिखेंगे इसको अब आगे, ये कुछ ऐसे लिखेंगे, v इज इक्वल टू ए वी अपॉन ए की जगह n रख दिया इंटू वी एस हो गया। तो अपने पास ये निकल के आ गया कुछ। ठीक, अपने को क्या निकालना है, अपना टॉपिक क्या था, सीपेज वेलोसिटी। ठीक है, सीपेज वेलोसिटी, तो सीपेज वेलोसिटी को किससे डिनोट किया है, यहाँ वी एस से किया है। ठीक है, तो वी एस इज इक्वल टू क्या हो गया, v अपॉन n, मतलब फाइनल जो अपना सीपेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है वो क्या निकल के आ गया, वी एस इज इक्वल टू वी अपॉन एन। ठीक है, सीपेज वेलोसिटी इज इक्वल टू वी अपॉन एन। ठीक है, तो ये थी अपनी सीपेज वेलोसिटी। सीपेज वेलोसिटी को कैसे डिफाइन किया, कैसे कैसे सीपेज वेलोसिटी इसमें डार्सी लॉ में कंसिडर की है। ठीक है, अब देखिए आगे इसी पोर्शन को आगे कंटिन्यू करते हैं। डार्सी लॉ में ही अब लिमिटेशन देखते हैं, लिमिटेशन जो डार्सी लॉ की लिमिटेशन है कुछ, तो वो लिमिटेशन क्या है। ठीक है, फर्स्ट है फ्लो शुड फुलफिल कंटिन्यूटी कंडीशन। जो अपना फ्लो होगा, वाटर जो फ्लो होगा, डिस्चार्ज की कंडीशन होगी क्यू होगा, वो फुलफिल होना चाहिए, पूरा फिलअप होना चाहिए, जिससे सोइल्स के स्पेसिमेन में से पास हो रहा है तो उसमें से पूरे में से वाटर फ्लो होना चाहिए, और कंटिन्यूटी की कंडीशन में होना चाहिए सेम उसमें। ठीक है, सेकंड क्या कह रहा है, द फ्लो शुड बी स्टेडी स्टेट लेमिनार एंड वन डायमेंशनल। जो फ्लो होगा वो अपना लेमिनार होना चाहिए और वन डायमेंशनल होना चाहिए। लेमिनार फ्लो जानते हो ना, लेमिनार फ्लो होता क्या है, मतलब एक सेम वे में वाटर अपना फ्लो हो रहा है, एक के पीछे एक वाटर एकदम स्ट्रेट शेप में फ्लो हो रहा है, वो तो होता है लेमिनार। फिर एक अपना फ्लो होता है टर्बुलेंट। टर्बुलेंट में क्या होता है कि इधर उधर, मतलब ऐसे कुछ बिखरे हुए रूप में हो, तो वो अपना टर्बुलेंट होता है। यहाँ जो वाटर फ्लो होगा वो किस में, लेमिनार कंडीशन में होना चाहिए और वन डायमेंशनल होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड क्या है, सोइल शुड बी कम्प्लीटली सैचुरेटेड। जो सॉइल है वो कम्प्लीटली सैचुरेटेड होनी चाहिए। भाई अगर वाटर फ्लो होगा तो बेसिकली है कि सॉइल सैचुरेटेड तो होगी ही। ठीक है, सैचुरेटेड कंडीशन में होगी। यूनिट वेट कितना होगा, गामा सैचुरेटेड लिया जाएगा। नो वॉल्यूम चेंज शुड अकर्स ड्यूरिंग और एज ए रिजल्ट ऑफ फ्लो। जो सॉइल्स का स्पेसिमन होगा उसका जो वॉल्यूम है वी है, वो भी चेंज नहीं होना चाहिए। कब तक, जब तक अपना वाटर फ्लो हो रहा है तब तक उसका वॉल्यूम चेंज स्पेसिमन का नहीं होना चाहिए। जैसे ये नहीं है कि मान लो ये अपना कोई सॉइल्स का स्पेसिमन था, ये सॉइल फिलअप थी, इसमें अपन ने वाटर जैसे ही फ्लो किया इधर से, ठीक है, वाटर इधर से फ्लो किया तो कुछ इसकी शेप ऐसी हो गई ऐसे, ठीक है, तो वो वाली कंडीशन नहीं होनी चाहिए। डार्सी लॉ, कोई भी लॉ देता है वो अपनी लिमिटेशन ज़रूर देता है कि भाई मेरी इसमें ये चीज़ नहीं हो सकती लॉ में, तो वो ही यहाँ कि जो सॉइल्स है उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होना चाहिए, ना शेप ना वॉल्यूम उसका चेंज होना चाहिए, तब ही ये लॉ क्या है, वैलिड, अदरवाइज वैलिड नहीं है। ठीक है, तो ये थी कुछ अपनी लिमिटेशन डार्सी लॉ की। ठीक है, फर्स्ट एक बार वापस से देख लीजिए, फर्स्ट क्या थी, फ्लो शुड फुलफिल कंडीशन, पूरी तरह फिलअप होना चाहिए फ्लो, वाटर फ्लो।
ठीक है, द फ्लो शुड बी स्टेडी स्टेट लेमिनार एंड वन डायमेंशनल फ्लो, लेमिनार होना चाहिए, वन डायमेंशनल होना चाहिए। सॉइल शुड बी कम्प्लीटली सैचुरेटेड, सॉइल ड्राई कंडीशन में नहीं होनी चाहिए, पूरी किसमें होनी चाहिए, सैचुरेटेड में होनी चाहिए। नो वॉल्यूम चेंज शुड अकर ड्यूरिंग और एज ए रिजल्ट ऑफ फ्लो, वॉल्यूम भी चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं इसी में, कोफिशियंट ऑफ परमेबिलिटी। कोफिशियंट ऑफ परमेबिलिटी है जिसको अपन ने डिनोट किससे किया है, के से किया है। ठीक है, तो उसी के बारे में डिस्कस करना है इस टॉपिक में। द कोफिशियंट ऑफ परमेबिलिटी कैन बी डिफाइंड यूजिंग डार्सी इक्वेशन। डार्सी इक्वेशन क्या है, क्यू इज इक्वल टू के इंटू आई। ठीक है, हैंस द कोफिशियंट ऑफ परमेबिलिटी मे बी डिफाइंड एज द वेलोसिटी ऑफ फ्लो विच वुड अकर अंडर यूनिट हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड कोफिशियंट ऑफ हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी। कोफिशियंट ऑफ परमेबिलिटी हैज डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, मतलब ये वेलोसिटी पे, कोफिशियंट ऑफ परमेबिलिटी ये वेलोसिटी पे डिपेंड करेगी। ठीक है, अपन ने जो फॉर्मूला निकाला था, सॉरी जो ये इक्वेशन है, ये अपनी कुछ q इज इक्वल टू के आई इंटू ए है। ठीक, फिर अपन ने आगे डिफाइन किया था, इसको आगे सोल्व किया था, तो क्या निकाला था, q अपॉन ए किया था, फिर क्या आया था, k इंटू आई आया था। ठीक, अब q अपॉन ए की जगह क्या रख दिया था, v इंटू के इंटू आई। देखिए ये कुछ अपन ने पीछे सोल्व किया था, पीछे वाली स्लाइड में ये रहा, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन था, यहाँ अपन ने ये निकाला v इक्वल टू के इंटू आई, तो ये था कोफिशियंट ऑफ परमेबिलिटी। ठीक है, देखिए अब उसी में कोफिशियंट ऑफ परमेबिलिटी जो डिपेंड होगी वो अपनी एक हाइड्रोलिक ग्रेडियंट पे और वेलोसिटी पे डिपेंड होगी। ठीक है, तो अगर अपन यहाँ कोफिशियंट ऑफ परमेबिलिटी को लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कि q इज इक्वल टू वी अपॉन आई, कोफिशियंट ऑफ परमेबिलिटी वेलोसिटी के तो प्रोपोर्शनल टू होगी और जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट होगा आई उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होगी। ठीक है, तो ये थी अपनी कोफिशियंट ऑफ परमेबिलिटी। देखिए इसी को आगे और कंटिन्यू किया है, स्टेबल फॉर्मेट में दिखाया है टिपिकल वैल्यू ऑफ द कोफिशियंट ऑफ परमेबिलिटी, मतलब सैंड के बेसिस पे, अगर जो टाइप्स ऑफ सॉइल्स है उसमें परमेबिलिटी की क्या कितनी कितनी वैल्यू होती है। ठीक, अगर अपनी क्लीन ग्रेवल है वन से अबाउ, इसकी क्या होगी परमेबिलिटी, कोफिशियंट ऑफ परमेबिलिटी के की वैल्यू। ठीक है, मतलब परमेबिलिटी का वैल्यू कितना होगा, वन से अबाउ होगा। भाई ग्रेवल है, सबसे ज़्यादा वॉइड्स रहेंगे इसमें, पार्टिकल साइज बहुत ज़्यादा रहेगा, तो पार्टिकल साइज अगर ज़्यादा रहेगा तो वाटर का फ्लो होगा वो ऑटोमेटिक है कि कितना हो, ज़्यादा होगा। ज़्यादा अगर वाटर का फ्लो होगा तो परमेबिलिटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, ड्रेनेज प्रॉपर्टी वेरी प्रीवियस, बहुत ज़्यादा होगी ड्रेनेज प्रॉपर्टी। सैंड में थोड़े पार्टिकल साइज ग्रेवल के कंपेयर में थोड़े कम होते हैं, तो इसकी जो परमेबिलिटी होगी वो 1 × 10⁻³ सेंटीमीटर पर सेकंड टू 1 सेंटीमीटर पर सेकंड के बीच होगी। ठीक है, ड्रेनेज प्रॉपर्टीज प्रीवियस होगी। सिल्ट थोड़ा और पार्टिकल साइज इसके स्मॉलर होते हैं कंपेयर सैंड और ग्रेवल के, तो उसके लिए जो वैल्यू होगी वो 1 × 10⁻⁷ सेंटीमीटर पर सेकंड टू 1 × 10⁻³ सेंटीमीटर पर सेकंड। और जो ड्रेनेज प्रॉपर्टी होगी वो पुअरली प्रीवियस होगी। ठीक है, क्ले में सबसे कम परमेबिलिटी की कंडीशन होती है, कितनी होती है, 10⁻⁷ सेंटीमीटर पर सेकंड से कम, इम्प्रीवियस इसकी ड्रेनेज प्रॉपर्टी होती है। द कोफिशियंट ऑफ परमेबिलिटी डिवाइडेड बाई पोरोसिटी ऑफ सॉइल इज नोन एज कोफिशियंट ऑफ परकोलेशन। अब कोफिशियंट ऑफ परकोलेशन किसे कहते हैं, कि जो कोफिशियंट ऑफ परमेबिलिटी और पोरोसिटी का जो रेशियो होगा वही अपना क्या होता है, कोफिशियंट ऑफ परकोलेशन। परकोलेशन क्या होता है, परकोलेशन एक तरह से, जैसे मान लो कोई भी अपनी ग्राउंड सरफेस है, ग्राउंड सरफेस पे रेन वाटर प्रिसिपिटेशन होती है,
फिर उसके बाद वो नीचे ग्राउंड सरफेस उसको अब्जॉर्ब करता है, तो उसमें फिल्ट्रेशन की कंडीशन होती है। मतलब अपना जो ग्राउंड वाटर नीचे जाके स्टोर होता है वो किस कंडीशन से होता है, वो परकोलेशन से होता है। तो परकोलेशन किस पे डिपेंड करेगा, एक परमेबिलिटी पे। परमेबिलिटी क्यों करेगा, क्योंकि परमेबिलिटी क्या है, सोइल्स के पार्टिकल्स में जो वाटर फ्लो हो रहा है वही क्या है अपनी परमेबिलिटी है। और जो पोरोसिटी मतलब वॉइड्स हैं वो, तो यहाँ पे जो कोफिशिएंट ऑफ परकोलेशन होगा वो के पी इजल टू के अपॉन एन होगा। के पी इजल टू क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ परकोलेशन, के इजल टू कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी, एन इजल टू पोरोसिटी। ठीक है स्टूडेंट, तो ये थे कुछ आज के अपने टॉपिक्स, ठीक है, परमेबिलिटी से रिलेटेड। ठीक, फर्स्ट में परमेबिलिटी ऑफ सॉइल की डेफिनेशन, डार्सी लॉ क्या होता है उसके बारे में डिस्कस किया था। फिर उसके बाद जो इसकी इक्वेशन निकल के आई, के आई ए, क्यू इजल टू के आई ए निकल के आई थी। फिर डिस्चार्ज वेलोसिटी कैसे होती है, वेलोसिटी डिस्चार्ज कैसे फ्लो होता है पूरा वो। फिर सीपेज वेलोसिटी के बारे में डिस्कस किया था, जो होती है वी एस इजल टू वी अपॉन एन। लिमिटेशन थी डार्सी लॉ की कुछ। फिर था कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी, कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी है उसके बाद उसी को बताया था। अब ये कुछ इसकी वैल्यूज थी, और कोफिशिएंट ऑफ परकोलेशन था केपी। ठीक है स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके।